जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार तरीके से पलटवार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता जितनी आबादी उतना हक वाली बात कहकर देश में बैर की भावना बढ़ाना चाहती है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लेकर भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? और जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बिहार भले ही बन गया हो, पर इस मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जातीय गणना के आगे क्या होगा। बात संख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी की होगी और इसके संकेत नेताओं के बयानों से मिलने भी लगे हैं। बिहार की महागठबंधन की सरकार में इस मुद्दे पर हिस्सेदारी को लेकर अभी से बहस छिड़ गई है। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस अभी से मांग करने लगी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी सत्ता में भी उतनी ही भागीदारी, और इसी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब आगे क्या होगा, इस सवाल के बीच आबादी के हिसाब से सत्ता में भागीदारी की मांग तेज होने लगी है, नेताओं के बयान आने लगे हैं। ऐसे में रिपोर्ट जारी होने के बाद जाति की सियासत तेज होगी, संख्या के अनुसार आरक्षण की मांग भी होगी। कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग उठेगी, नौकरियों में संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठेगी, ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग भी तेज होगी, संख्या के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिली ऐसा कहा जाएगा। विपक्षी दल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जातीय गणना को मुद्दा बनाएंगे, पूरे देश में जातीय गणना की मांग उठेगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं बिहार में सर्वाधिक संख्या दलित और मुसलमानों की है, इसलिए अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी दलित या मुसलमान को सौंप देनी चाहिए। बिहार में सबसे ज्यादा संख्या तो दलितों की है, बिहार का मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वहां की जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है, तो मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि